बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या चीज होगी महंगी, क्या होगा सस्ता? अवाम की नजरें बजट पर जम गईं। कौमी असेंबली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। बजट का हुजम 8,400 अरब से ज़ायद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बजट से पहले वफाकी काबीना का इजलास तलब। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन की भी तगड़ी तैयारियां। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने भी अपोजिशन जमातों का पार्लियामानी इजलास तलब कर लिया। खुजदार में मुसाफिर कोच खौफनाक हादसे का शिकार, 18 अफराद जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी। ज़ायरीन मुकामी अस्पताल मुंतकल। मुसाफिर कोच वड से दादू जा रही थी, कोड़ी के मुकाम पर बस तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कोरोना कमजोर पड़ने लगा। 24 घंटों में 47 अमवात, 1,303 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आज से अमल शुरू। बलोचिस्तान के जिला खारान के इलाका हलम मर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में FC का सिपाही फिदाउद रहमान शहीद। गुर्बत छुपाना और महंगाई के लिए बहाने बनाना मसले का हल नहीं। इक्तिसादी सर्वे में गुर्बत का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि इनमें तारीखी इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। फिरदौस आशिक अवान के साथ बदतमीजी का मामला, कादिर मंदोखेल को हर जाने का नोटिस जारी। मामले खसूसी कहती हैं कादिर मंदोखेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया है ताकि आइंदा किसी भी खातून के साथ बदतमीजी और घटिया रवैया इख्तियार करने का रास्ता रोका जाए। ट्रेन हादसा हमारी गफलत से हुआ, वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति का एतराफ। कहते हैं जिन लोगों को मौतल किया वो अभी आटे में नमक के बराबर है, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ML1 को लेकर ही आगे चलना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर सेशन कोर्ट पेशी। FIA की तफ्तीशी अफसर का बयान कलम बंद। जहांगीर और अली तरीन के वकील ने दरखास्त जमानत वापस ले ली, अदालत ने भी दरखास्तें निपटा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के तमाम माशी अशारिये मुस्बत। तवील अरसे बाद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। कहते हैं अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, चाहते हैं अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलग देखे। और लाहौर कलंदर की एक और बड़ी फतह, पिशावर जलमी को 10 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने भी कराची किंग्स को 12 रन से हरा दिया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोटा ग्लैडिएटर से होगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलन न्यूज के साथ।